हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 के टू प्रूफ के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बेसिक सीखा था, एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक के 4 क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपके पास 1 मार्क में उन क्वेश्चंस में से आ सकता है। और जो आज के टू प्रूफ के क्वेश्चंस हैं ये आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, ये आपके हायर मार्क्स में आते हैं, जैसे कि 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 5 में से जरूर आता है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सब में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं टू प्रूफ के क्वेश्चंस को, ठीक है जी। तो टू प्रूफ के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ कि आपको एक तो हमारे पास जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी पिछली वीडियो में कि आप इन तीनों फॉर्मूलाज को कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर ट्रिक भी देख सकते हैं। देन और आपको क्या पता होना चाहिए, दैट कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूलेज हैं जो आपको अगर अच्छे से आते होंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लीजिए जो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सो दैट कि हम ईजिली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये हैं हमारे सारे फॉर्मूलाज जिनके ऊपर बेस्ड हमारे ये सारे क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट लगी है तो मैंने ब्रैकेट लगाई। देन क्या है, कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा किसके इक्वल है फॉर्मूला में, 1 बाय साइन थीटा, राइट। देन क्या है, माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके इक्वल है हमारा, कॉस बाय साइन थीटा, ठीक है जी। देन ब्रैकेट क्लोज, देन क्या है हमारे पास, पावर 2, तो हमने यहाँ पे पावर 2 लगा दी, ठीक है। देन अब आपको क्या दिख रहा है कि सबसे सिंपल काम आपको क्या दिख रहा है, 2 रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि रैशनल नंबर्स कब सिंप्लीफाई होते हैं, प्लस माइनस कैसे होते हैं, जब हम उनका LCM सॉल्व करते हैं, ठीक है। रैशनल है ना ये P by Q की फॉर्म में, जैसे नंबर्स पढ़ते थे 2/3, ये P by Q की फॉर्म में हमारे पास रैशनल नंबर होता था, तो वही चीज़ ट्रिगोनोमेट्री के लिए भी है। सो यहाँ पर अगर हम इसका LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा, साइन थीटा, एंड ऊपर आपके पास LCM सिंप्लीफाई करके कितनी वैल्यू आने वाली है, 1 माइनस कॉस थीटा। वही LCM का रूल जो हमने नंबर्स के लिए पढ़ा है, सेम रूल यहाँ रहेगा। मतलब क्या करते थे हम, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा से जब आप कैंसिल आउट करोगे, साइन थीटा बाय साइन थीटा, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आंसर आएगा 1। देन इस 1 को हम न्यूमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मीन्स 1 वंस द 1 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इस दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। बट अब आपको इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसका न्यूमिनेटर कितना है, कॉस थीटा, तो 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, कॉस थीटा, ठीक है जी। ओके, अब आप देख रहे हो कि हमारे पास न्यूमिनेटर तो हमारा बन चुका है, सिर्फ पावर का है, तो न्यूमिनेटर को हम चेंज नहीं करेंगे, हम अब इस पावर को जो है ना दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, बिकॉज न्यूमिनेटर आ चुका है मेरे पास, सिर्फ पावर का है, तो पावर देखेंगे कैसे सॉल्व होगी, बट न्यूमिनेटर आ चुका है तो न्यूमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ किसको चेंज करेंगे हम, अपने डिनोमिनेटर को, ओके, ठीक है जी। देन अब देखो, आगे देखो, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2। अब डिनोमिनेटर में आपका क्या चेंज करें, देखो यहाँ पर कॉस की फॉर्म में आंसर आ रहा है, आपके पास किस में है, साइन की फॉर्म में, तो यहाँ से देखो कॉस की फॉर्म में आपको आंसर चाहिए बट आपके पास क्या है, साइन है, तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कि क्या जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर थीटा हमारा प्लस में है, उस तरफ जाकर के किसका होने वाला है, ये हमारा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, कई बार यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमने जो वैल्यू हमारी शिफ्ट होती है वो उसका साइन चेंज होता है,
ठीक है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, एक फॉर्मूला और जो हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होना है इन क्वेश्चंस में, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ इन फॉर्मूलाज को याद रखने का, कि दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, एक बार दोनों नंबर्स को माइनस कर दो, एक बार दोनों नंबर्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो वही रूल अब मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो, 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2, ऊपर वाली वैल्यू में मैंने न्यूमिनेटर में मैंने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज लिखी है, बट यहाँ पर देखो दो नंबर्स हैं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि क्या करूँगी, एक बार इन दोनों नंबर्स के बीच में माइनस का साइन लगाऊंगी और एक बार इन दोनों नंबर्स के बीच में किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। सो हमारे पास ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 कैंसिल आउट हो गई। सो क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। सो आंसर आ गया। सो यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिख दिया लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। डन जी, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, आगे बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आप देखोगे कि अब आप सोचोगे कि इसको स्टार्ट कैसे करें। थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कि हमारे पास जो ये वाला नंबर है ये किसकी फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, दैट मीन्स एक रैशनल नंबर है। और ये वाला नंबर भी कैसा है हमारा, पी बाई क्यू की फॉर्म में, दैट मीन्स रैशनल नंबर है। और जब दो रैशनल नंबर्स को हमें प्लस या माइनस करना होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम हमेशा एलसीएम लेकर के, ठीक है। अगर दो में से एक भी नंबर अगर हमारा रैशनल हो, दूसरा रैशनल हो या इरैशनल हो, तो हमेशा वो कैसे सॉल्व होते हैं, एलसीएम लेकर के, राइट। सो सिंप्लीफाई कर दो इस चीज को, कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर्स को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीपल, ठीक है। जब नंबर्स होते हैं तब तो आप उनको सिंपली मल्टीपल कर सकते हो, 6 4 24 2 4 8 ऐसे कर सकते हो, लेकिन अब ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, एंगल्स हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको इसको कैसे लिखना है, ब्रैकेट के फॉर्म में, अगर आपने ब्रैकेट लगा दी, सो दैट मीन्स आप इसका क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। डन, ओके। देन एलसीएम का रूल इसके बाद क्या होता है, कि जो भी हमारा ये एलसीएम आया है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, इसको हमें एक बार पहले इससे डिवाइड करना होता है, मीन्स 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बच गया हमारे पास, कॉज ए बच गया, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो हमें क्या करने वाले हैं, कॉस ए को कॉस ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, कॉस पावर 2, ठीक है। पावर 2 क्यों आई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन रूल की वजह से जब भी दो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, 3 × 3 अगर करना है तो आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, ठीक है। तो जो भी सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही, तो यहाँ पे कॉस सेम था, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आंसर कितना आ गया, कॉस पावर 2 ए। इधर वाली साइड पे करेंगे, क्या करेंगे, पहले क्या किया था हमने, जो एलसीएम था उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, अब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो जब यहाँ से डिवाइड करेंगे, इससे अगर हम कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये काम हमने रफ में करना है, ओके। तो बचेगा क्या, सिंपली 1 प्लस साइन ए, इस 1 प्लस साइन ए को इसी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो एक ये 1 प्लस साइन ए हमारा एलसीएम से बचा है, इसको हमने न्यूमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर वही चीज़, दोनों सेम है, तो सेम है तो दैट मीन्स इनकी पावर क्या लग जाएगी, इनकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ओके। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी कितना है, साइन ए, मीन्स बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2a, a कितना है 1 और b कितना है हमारा साइन ए। तो यहाँ पर लिख दो 2 साइन ए डिवाइडेड बाय जो ये है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे बात समझ, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो दैट मीन्स जो ये वाला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, ये तो क्या बन गया, 2 हो गया। देन 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया।
तो 2 प्लस 2 साइन इन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इन इनटू इन। आई बात समझ में? सो इन दोनों में से आपको दिख रहा है 2 कॉमन आ सकता है, मीन्स अंदर क्या बच गया 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इन इनटू इन। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ऐसे 1 प्लस साइन है कैंसिल आउट हो गई, क्या बच गया खाली 2 बाय cos a। तो 1 बाय cos किसके इक्वल होता है? सेकंड के इक्वल, सेकंड के इक्वल से कितना आ गया 2 सेकंड। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करके हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। tan थीटा को किसके इक्वल होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। जो ये मेरे पास रेशियो है, ये डिवीजन का साइन लगाया, देन क्या है 1, देन क्या है माइनस साइन, देन कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बाय साइन। तो कॉट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देन फिर से वही ऊपर कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा की जगह पे लिखा कॉस बाय साइन, देन डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगाया, देन 1 माइनस टैन की जगह पर क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आई बात समझ में? ठीक है जी, ओके। अब देखो ये तो सिंगल नंबर है, ठीक है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, सिंगल रेशनल नंबर है, इसको इसके साथ मिक्स अप मत करना। अभी पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, मींस इसका डिनोमिनेटर, देन हम इसको इसके साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है जी। सो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो है ही सिंगल नंबर, ना उसको प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उस नंबर का, ठीक है। इसको तो एज इट इज लिख दो। फिर से वही चीज, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल। एक नंबर आ गया उसके वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास? साइन थीटा। एलसीएम का रूल बताया कि दोनों के डिनोमिनेटर में जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। देन हमने एलसीएम के रूल में क्या किया कि इस साइन थीटा को इस वन से क्या करेंगे हम? डिवाइड। तो वन से डिवाइड करेंगे तो वही साइन थीटा आंसर आ जाएगा। देन जो आंसर आया है उसको न्यूमिनेटर से क्या करना है? मल्टीप्लाई। फिर से वही साइन थीटा को साइन थीटा वन से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा साइन थीटा। देन इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? वन। इस वन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा? कॉस थीटा। देन प्लस प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय, सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पर एलसीएम लेकर के रिजल्ट लिख रही हूँ। होप्स हो कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ चुकी होगी, ठीक है जी। आई बात समझ में? अब मैथ्स के रूल के हिसाब से फिर से मैथ्स का नया रूल लगाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास टर्म ऊपर जा कर के क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी, मीन्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे बात समझ में? रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। फिर से वही चीज़ है, दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी कि इनका क्या आ जाएगी? इनका आंसर क्या आएगा? अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन नहीं पता कैसे करते हैं, इसलिए उसको सिर्फ हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। देन कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज यहाँ से भी पता लगा, कॉस को आई बात समझ? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों के साथ साइन चेंज है सिर्फ, यहाँ कॉस माइनस का है, यहाँ प्लस का, यहाँ साइन माइनस प्लस का है, यहाँ साइन प्लस का है माइनस का। तो हम क्या करते हैं, देखो पहली वाली टर्म तो मैं ऐसे प्लस लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देन
जो ये वाला है ना, इसमें से मैं माइनस साइन बाहर अगर ले लूँगी तो अंदर वाली स्टेटमेंट के मेरे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, अंदर वाली स्टेटमेंट के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। नाउ अब आप इसका फिर से एलसीएम लो एक बार दोबारा से, कॉस इंटू साइन, तीन चीज़ें दिख रही हैं आपको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सबको मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से करके लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब इस पूरे को जब आप इस वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन माइनस कॉस से ये कैंसिल होगा, साइन थीटा, साइन को साइन पावर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, साइन पावर थ्री। देखो साइन को साइन पावर टू से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब टू प्लस वन पावर कितनी आ जाएगी, थ्री। ऐसे ही वहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, कॉस पावर थ्री थीटा। ओके, अपना फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ओके, बात समझ आई, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाली और ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई पूरी पूरी। वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के। तो वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस यही रह गया। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर दो न्यूमिनेटर के साथ, वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बच गया, सिंपली वन। और यहाँ से वन बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेकेंट थीटा के, और वन बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंट थीटा के, प्लस यहाँ से वन बचा है, इस वन को भी ले लिया, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट। आई बात समझ में, मैथ्स के लॉजिक्स को, मैथ्स के रूल्स को, चलिए जहाँ रैशनल नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन का एलसीएम लेना है, ठीक है, और कुछ भी छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे क्वेश्चंस की अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पर, ना फोर्थ पार्ट में देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले वही हम अपना LHS लिखेंगे, ठीक है, कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वन प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए, ठीक है जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको पता है सेकेंड ए का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वन बाय कॉस ए, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सेकेंड ए इज इक्वल टू वन बाय कॉस ए। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, वन बाय कॉस ए, ठीक है जी। और यहाँ भी नीचे सेकेंड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस ए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि जब हमारे पास एक रैशनल नंबर हो, ये रैशनल नंबर है वन बाय कॉस ए, और ये कैसा है, इरैशनल नंबर। जब भी एक नंबर रैशनल आ गया सो दैट मीन्स वो कैसे सिंप्लीफाई होने वाला है, एलसीएम लेकर के। सो एलसीएम कैसे लेना है, पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो कॉस ए को वन से, तो आंसर कितना आएगा, कॉस ए। और यहाँ न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू आने वाली है, कॉस ए प्लस वन डिवाइड बाय वन बाय कॉस ए। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे आया कॉस ए प्लस वन। एक बार दोबारा से बताती हूँ कि जो ये कॉस ए है, जो ये एलसीएम है हमारा कॉस ए, इसको आपने इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे कॉस ए को वन से, तो आंसर कितना आएगा, कॉस ए, ठीक है। देन आपने इस वैल्यू को इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसी के ही पहले डिनोमिनेटर से देन न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो वन से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए ही आएगा आंसर, ठीक है जी। देन उसके बाद अब इस कॉस ए को इसी को अब दूसरे वाले डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, डिवाइड। जो एलसीएम आया है उसको हमने डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर से। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आएगा वन। अब इसको ऊपर न्यूमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो वन वन का कितना हो गया हमारा, वन हो गया। सो यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, सिंपली क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए प्लस वन।
ये चीज़ आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इसका राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से ध्यान से, वही जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलने वाली है, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, थीटा नहीं हमारे पास एंगल ए की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम एंगल ए में ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देन आप देखो जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा इन क्वेश्चंस में, क्या है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो आंसर किसके इक्वल होगा, एक बार दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो, एक बार दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो, तो मतलब एक बार 1 माइनस कॉस ए करना है, एक बार हमने 1 प्लस कॉस ए करना, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है जी। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, सिंपली सिंपली आंसर बच गया 1 प्लस कॉस ए, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया और यही हमारा राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आया। तो लास्ट लाइन में आप अपना क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, बट कई बार आपको राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके करने वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहली चीज़ तो वही हमको अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। और अब हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे हम अपने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, ठीक है जी। अब आप सोचेंगे कि हमने अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया और कैसे हमें याद रहेगा, ध्यान देने वाली बात है। देखो अभी तक हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें हम कोई ना कोई फॉर्मूला पुट कर पा रहे थे, राइट। जैसे कॉसिक का हम 1 बाय साइन पुट कर देते थे, या पिछले क्वेश्चन में हमने सीकेंड का 1 बाय कॉस पुट कर दिया था, देन हम उसका एलसीएम ले पाते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला पुट करें, कुछ भी नहीं है, ना ही तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगना है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगनी है, ना ही कोई हमारा रेशियो का फॉर्मूला लगना है, ठीक है जी। तो अब करें क्या, सिंप्लीफाई तो करना है ना क्वेश्चन को, तो देखो क्या कर सकते हैं हम, हमको बनाना है कॉस को किस में बदलना है, कॉट में, ठीक है। अगर मैं कॉस को किस से डिवाइड कर दूँ, साइन से, तो कॉस बाय साइन मेरा क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। और दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या चाहिए, कॉसेके कैसे बनेगा, अगर हम 1 को किससे डिवाइड कर दें, साइन से, तो दोनों ही वैल्यूज हमारे पास कब बन रही हैं, जब हम उनको किससे डिवाइड करें, साइन ए से। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, अपना साइन ए से, ठीक है जी, डिवाइड बाय साइन ए। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे सबको, जैसे कि कॉस को साइन से डिवाइड करूंगी तो कॉस बाय साइन कितना होता है हमारे पास, कॉट ए, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया कॉट ए। साइन को साइन से करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा, सिंपली 1। अब 1 को साइन से करेंगे, 1 को साइन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉसिक ए, ठीक है जी, आई बात समझ में, ओके। नाउ कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे फिर से क्या मिलेगा हमें, कॉट ए। देन साइन को साइन से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1। देन माइनस का साइन, और 1 बाय साइन क्या होता है हमारे पास, कॉसिक ए, ठीक है। अब आप देख रहे हो कुछ कुछ हम अपने क्वेश्चन के नजदीक पहुंच चुके हैं, कॉसेके प्लस कॉटे, न्यूमिनेटर चाहिए, डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर को खत्म कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हमें उस वैल्यू को रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास रूल क्या होता है कि एक टर्म मान लो मैंने इसको मान लिया कॉटे, और ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने सेकेंड पार्ट मान लिया, ठीक है। तो क्योंकि अब मैंने माइनस साइन बाहर कॉमन लिया है तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, मेरी
माइनस की हो जाएगी। सो रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सारा कुछ सेम रखेंगे, सिर्फ जो उसका बीच का साइन है वो हम चेंज कर देंगे। देखो कैसे, एक मिनट बताती हूँ। cot a into 1 माइनस cosec a, देखो जो डिनोमिनेटर है ना, इसको एज इट इज लिखो, cot a देन 1 माइनस cosec a, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि जो ये बीच का साइन है, इस साइन को हमने चेंज करके लिखना है। ओके, सेम टू सेम वैल्यू से मैंने न्यूमिनेटर में लिखी, सेम टू सेम वैल्यू मैंने डिनोमिनेटर में लिखी, सिर्फ इसके साथ साइन इसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या है, देखो इसको अगर मैं ए मान लूँ और इसको अगर मैं बी मान लूँ, देखो यही सेम टर्म यहाँ है, यही सेम टर्म यहाँ है। हमें पता है जब भी दो सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई मतलब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगी है तो दैट मीन्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहती है, पिछले क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम्पल बताया, तो इसका क्या हो जाती है, पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, पूरे की पावर 2। ठीक है, मतलब कैसे, देखो cot a माइनस 1 माइनस cosecant a, इस पूरे की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2, क्योंकि a a b b, a माइनस b का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, पूरे की पावर 2 लगेगी, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना दो बार, और ये भी, तो इसलिए ये किसकी बनेगी, पावर पूरे की बनेगी। सिंगल सिंगल की हमें यहाँ पे पावर नहीं बनानी है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान से, अब डिनोमिनेटर में देखो क्या हो रहा है, एक बार सेम वैल्यूज हमारी, सेम वैल्यूज के बीच में प्लस का साइन है, एक बार सेम वैल्यूज के बीच में माइनस का साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, सेम वैल्यूज के बीच में एक बार माइनस और सेम वैल्यूज के बीच में एक बार प्लस। अब दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, मतलब क्या है, cot स्क्वायर a फिर माइनस a का स्क्वायर देन माइनस इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, 1 माइनस cosec a का स्क्वायर। डन जी, आई बात समझ में? ठीक है, अब ये फॉर्मूला खोल दीजिए, a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय, नीचे का भी खोलते हैं फॉर्मूला, नीचे का क्या खुलेगा हमारे पास, cot स्क्वायर a माइनस, अब यहाँ भी a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करना है हमने, cosec a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। होप सो आपको समझ आया होगा ये हमने कैसे किया। जैसे हमारे पास a प्लस b का फॉर्मूला होता है, वैसे ही a माइनस b में क्या होता है, यहाँ पर ये वैल्यू किसकी हो जाती है, माइनस की। मीन्स पहले पहली वैल्यू का स्क्वायर, मीन्स मैंने cot का स्क्वायर किया, cot स्क्वायर a, देन b का स्क्वायर। अब b मेरा ये पूरा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पूरे का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर, माइनस माइनस साइन लगाया 2a, a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास cot a, और b कितना है मेरे पास, 1 माइनस cosec a पूरा। ठीक है, ऐसे ही नीचे फॉर्मूला लगाया, cot स्क्वायर a को एज इट इज रखा, माइनस साइन एज इट इज रखा, ब्रैकेट लगाई, और ब्रैकेट के अंदर जो ये फॉर्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पूरा मैंने खोल दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर को छेड़ते, न्यूमिनेटर को यूज़ करते जाते हैं, cot स्क्वायर a प्लस, प्लस का साइन है, प्लस लिखा, यहाँ भी a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू। ठीक है जी, आई बात समझ में? अब इस ब्रैकेट को खोलिए, माइनस 2 cot a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस 2 cot a इंटू cosec a। ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ से आएगा माइनस 2 cot a, एंड देन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 cot a इंटू cosec a। कितनी बड़ी वैल्यू बन गई हमारे पास, है ना, देन डिवाइड बाय, यहाँ से क्या आएगा, इसको खोलते हैं, cot स्क्वायर a, देन यहाँ से माइनस साइन जब हम ओपन करेंगे तो ध्यान रखना सारी वैल्यूज के साइन चेंज करते जाइए, 1 माइनस का cosec स्क्वायर a भी किसका बनेगा हमारे पास, माइनस का,
एंड जो ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो करके क्या हो जाएगा, टू कॉसिक ए। अब ये कैसे आया बच्चे, यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, टू वंस था टू, देन टू को कॉसिक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल लिख देंगे बस टू कॉसिक ए, ठीक है, और बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे। जब कोई साइन नहीं लगाएंगे तो अंडरस्टूड होता है वो किसका मतलब है, उसका क्या मतलब है कि वो क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है जी। ओके, अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं। देखो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा के, तो जो ये दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कॉसिक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं हमारा क्वेश्चन एंगल ए में चल रहा, देन अगेन प्लस कॉसिक ए, कॉसिक स्क्वायर ए, देन माइनस टू कॉसिक ए, देन माइनस टू कॉट ए, देन प्लस टू कॉट ए इंटू कॉसिक ए। एक एक करके सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, डिवाइड बाय, अब यहाँ पर देखो नीचे क्या बन रहा है हमारे पास, नीचे क्या बन रहा है हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखो, अगर यहाँ से अगर मुझे फॉर्मूला चेंज करना हो थोड़ा सा, तो यहाँ से क्या होगा कि क्या है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉसिक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना हो, अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का होगा तो ये जो वन है इधर प्लस का, इधर जा करके किसका हो जाएगा, माइनस का। मीन्स इन दोनों वैल्यूज की जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस वन, एक माइनस वन ये है, देन लास्ट में क्या है हमारे पास, प्लस टू कॉसेकेंड ए। हमारा मोटिव क्या है, डिनोमिनेटर को खत्म करना, ठीक है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए, जब दो चीजें सेम एड हो रही होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, उनके आगे क्या लग जाता है, टू लग जाता है। जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दो सेम चीज़ें तो उनकी क्या बन जाती है, पावर टू बन जाती है। देन माइनस टू कॉसिक ए माइनस टू कॉट ए प्लस टू कॉट ए इंटू कॉसिक ए। देखो एक एक स्टेप में एक एक वैल्यू सिंप्लीफाई होती जा रही है, छोटा होता जा रहा है क्वेश्चन, है ना। पहले पूरा भर गया था बोर्ड, नाउ आधे में काम चल गया, ठीक है। माइनस वन और माइनस वन कितना होगा, माइनस टू एंड प्लस टू कॉसिक ए, ठीक है जी। अब और सिंप्लीफाई करते हैं इसी चीज को, एक ये फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू में से अगर आप देखोगे तो टू कॉसिक ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। टू इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉसिक ए इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसके पास पावर कितनी थी, टू थी, दो थे यहाँ पर, एक हमने बाहर ले लिया और एक हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, देन प्लस यहाँ से क्या बचा है, कॉट ए। इस वाली वैल्यू में से टू कॉसिक ए बाहर जा चुका है, बचा क्या है, कॉट ए, कॉट ए को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आ जाओ इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों में से क्या है, माइनस टू कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कॉट ए को माइनस का नहीं लिखना, माइनस हमने बाहर ले लिया है दोनों का, तो ये दोनों वैल्यूज ही किसकी हो जाएंगी, प्लस की। अब इन दोनों में से टू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, कॉसिक ए माइनस वन। अब ये कैसे आया, टू को कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा, कॉसिक ए प्लस का, और यहाँ से वन किसका बचा हमारे पास, माइनस का, ठीक है जी। अब और सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखो, अब एक टर्म ये बन गई, एक टर्म हमारे पास ये बन गई, इन दोनों में से देखो फिर से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो टू है और दूसरी वैल्यू क्या कॉमन है दोनों में, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। इसके पास भी है, इसके पास भी, इसलिए इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, जो बच गया उसको अंदर, जैसे यहाँ से क्या बचा, कॉसिक ए बचा, इसको अंदर लिख दिया, देन यहाँ से क्या बचा, सिंपली माइनस का वन डिवाइड बाय टू इंटू कॉसिक ए माइनस का वन। कॉसिक ए माइनस वन से कॉसिक ए माइनस वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, बच के आ गया सिंपली हमारे पास आंसर आ गया कॉसिक ए प्लस कॉट ए। यही हमें टू प्रूफ करना था, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास लास्ट में, आंसर टू। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि फर्स्ट स्टेप में हमने उसको साइन से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना था कॉसिक और कॉट के फॉर्म में, तो हमारी जो वैल्यूज थी वो साइन से डिवाइड होकर ही कॉसिक और कॉट ए में कन्वर्ट
हो सकती थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रैशनलाइज क्यों किया, बिकॉज हमें आंसर में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, और रैशनलाइज करने का जो रूल आपने अभी तक छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है वही रूल हमने इस क्वेश्चन में रैशनलाइज करने का यूज़ किया। देन हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज लगाए, देन हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। होप सो आपको सारे स्टेप्स इसके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, रहो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट्स इसी क्वेश्चन के। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।